फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ विशाली, आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ विशाली मित्रा के फैशन डोज पे। सो आज का वीडियो है विंटर स्पेशल। अब विंटर में डेनिम्स हम लोग बहुत ज़्यादा वेयर करते हैं। डेनिम्स के साथ हमें क्या क्या स्टाइल करना चाहिए या हम क्या क्या स्टाइल कर सकते हैं वो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दे दिए हैं, जो भी कुछ आप अपने लिए ट्राई करना चाहते हो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। हॉल पैक में सभी के लिंक्स दे दिए हैं। कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज, हुडी और आपके जैकेट्स, कैप, हैट्स, बहुत सारी चीज़ें और भी मैंने ऐड कर दी हैं, वो भी आपको विंटर्स में बहुत कम आएंगी। अगर आप स्पेशली वेकेशन पर जा रहे हो तब भी आप इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक वुलन में सूट सेट, जिसमें 3-piece सूट सेट आपको मिलता है। इट इज़ इन पर्पल काइंड ऑफ कलर, पर्पल कलर आता है इसमें। आई थिंक 4-5 कलर ऑप्शन और अवेलेबल हैं। एज इन सूट की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कलर बहुत अच्छा है। आगे की तरफ जितना भी आप ये वर्क देख रहे हो गोल्डन, ये कुछ बीट्स टाइप के हैं जो इसमें लगाए हुए हैं, ये कोई प्रिंट नहीं है, ठीक है। तो एज इन देखने में बहुत सुंदर है और पहना हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा था। फुल स्लीव में आपको मिल रहा है, स्ट्रेट कुर्ती मिल रही है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर स्ट्रेचेबिलिटी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो स्ट्रेचेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। एंड मैंने जो साइज़ पहना हुआ है विच इज़ लार्ज, 40 साइज़ मैंने पहना हुआ, मुझे परफेक्ट फिट आ रहा था। इसका बॉटम भी पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है, फुल्ली इलास्टिकेटेड बैंड मिलता है। एंड बोथ साइड आई थिंक इसमें पॉकेट अवेलेबल है, लेट मी चेक। यस, इसमें बोथ साइड आपको पॉकेट मिलती है और स्ट्रेट फिट में पैंट मिलता है। इसके साथ प्रॉपर दुपट्टा नहीं, इस टाइप का स्टॉल मिलता है, आप इसको मफलर भी बोल सकते हो। नेक अराउंड या फिर अपने हेड पे जिनको ज़्यादा ठंड लगती है वो ले सकते हैं। और काफ़ी थिक फैब्रिक है, मतलब जब अच्छी खासी ठंड पड़ रही होती है तब आप इसको ईजीली कैरी कर सकते हो। अब जैसे कि विंटर्स में हमें चाहिए होते हैं जैकेट्स, तो यहाँ पर मैं आपको एक जैकेट दिखाती हूँ इन रेड कलर। और इसके अंदर ना इस तरीके का मेश काइंड ऑफ फैब्रिक लगा हुआ है, ऊपर वाला फैब्रिक जो पैराशूट टाइप का फैब्रिक होता है ना, जिससे हवा बिल्कुल भी अंदर नहीं जाती, ये वाला फैब्रिक है। और ट्रस्ट मी, पूरी विंटर्स में मैं मोस्टली जो जैकेट्स हैं ना वो इसी वाले फैब्रिक में पहनती हूँ, इसमें बिल्कुल भी हवा अंदर बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती और इसमें अच्छी खासी आपको वार्म फीलिंग आती है। यहाँ पर आपको एक कैप भी मिलती है, हुड मिल रहा है, यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो और इसको डिटैच भी कर सकते हो। यहाँ पर ना पीछे एक जिप लगाई हुई है जिससे इसको आप डिटैच कर सकते हो। मैंने साइज़ लार्ज पहना हुआ है एंड ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इसकी जिप की क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको पॉकेट पर भी जिप मिलती है एंड फ्रंट पर जिप आप देख रहे हो, जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, तो मैं आप इसको 100% रिकमेंड करूँगी। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक स्वेटशर्ट, क्योंकि इसमें हुड नहीं है, ये स्वेटशर्ट है एंड इसका स्लीव है। सॉरी फॉर द लाइट फ्लक्चुएशन, लाइट कलर आ गया, आई नो ये होगा। बहुत ही ब्राइट येलो कलर है एंड यहाँ पर ना रैलगन स्लीव्स है शोल्डर पर, मतलब जिनके ब्रॉड शोल्डर होते हैं ना लाइक मी, उन लोगों के ऊपर ये रैलगन स्लीव्स बहुत ज़्यादा सूट करती है। ट्रस्ट मी, चाहे वो टी शर्ट्स हो या इस तरीके की स्वेटशर्ट्स हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके जो हाथों के एंड्स पर ना बिल्कुल स्लीव के एंड पर इस तरीके की इलास्टिक मिलती है एंड इसके नीचे की तरफ भी आपको बॉटम पर इलास्टिक मिलती है। इसका फैब्रिक भी अच्छा है एंड इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मोटी फ्लीस फैब्रिक नहीं लगा हुआ, सो इसके ऊपर आपको कुछ कैरी करना पड़ सकता है। मतलब ऐसे तो ये गर्मी देगी, वॉर्म है, बट कई स्वेटशर्ट्स और इनके अंदर ना हुडीज़ के अंदर बहुत मोटा वाला फर वाला फ्लीस लगा हुआ होता है, वैसा वाला फ्लीस फैब्रिक इसमें नहीं है। जो अनारकली मैंने इस वक्त पहनी हुई है, इट्स अ ब्यूटिफुल जॉर्जेट अनारकली फ्रॉम द ब्रांड पोशाक, और इनके अनारकली सच में बहुत सुंदर होती है। जो नेक पीस है वो बहुत साल पुराना है, इसका लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को या फिर सभी को ना स्कार्फ्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इस वाली वीडियो में एक स्कार्फ इंक्लूड किया है। ये आप वेस्टर्न, अगर आपने जैसे मान लो हुडी टॉप कुछ इस तरीके का पहना हुआ है, शॉर्ट कुर्ती, और आपको कुछ कैरी करने के लिए जिससे आप अपना नेक अराउंड और अपना हेड कवर कर सके और वो थोड़ा सा वॉर्म भी हो, देखने में स्टाइलिश हो, तो ये वाला आप पिक कर सकते हो। इसका ना जो डिज़ाइन है बिल्कुल जैसे LV Gucci वाले जो स्कार्फ्स होते हैं ना, जो कि लाखों में मिलते हैं,
कुछ कुछ काइंड ऑफ सिमिलर इस तरीके का डिज़ाइन है और कलर इसका भी वैसा ही है, डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन एंड ऑफ वाइट में, एंड इसकी लेंथ एंड विथ काफ़ी अच्छी है। सो मैं आपको 100% ये वाला स्कार्फ सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ले सकते हो, ये काफ़ी सुंदर है एंड ये वॉर्म भी है। नेक्स्ट कॉटन शर्ट टॉप। मेरे पास शर्ट टॉप के इतने सारे कमेंट्स थे कि विशाली हमारे साथ शेयर करो। अजरक में ब्लॉक प्रिंट कॉटन मटेरियल, द ब्रांड नेम इज़ कॉल्ड फेरानॉइड, और ये बहुत ही सुंदर शर्ट है। इसके शर्ट के बटन ना फंक्शनेबल नहीं है, मैं चेक कर लेती हूँ। ऊपर से तो फंक्शनेबल नहीं है, नीचे वाला भी फंक्शनेबल नहीं है। फ्रंट पर आपको एक स्लिट मिल जाती है, प्लस आपको साइड पर भी इसमें एक स्लिट मिलती है, सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और ये एल्बो लेंथ का इस तरीके से स्लीव आता है, यहाँ पर देखो, जैसे फुल स्लीव का शर्ट टाइप का प्रॉपर शर्ट होता है ना, वैसा नहीं है। इट्स अ शर्ट टॉप जो कि अच्छा खासा आपका हिप कवर करता है, एंड ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, सुंदर दिखता है। नेक्स्ट, अ प्रॉपर वुलन हाई नेक टर्टल नेक कुर्ती, और ये भी काफ़ी सुंदर है यार। इसका डिज़ाइन जो है ना निटेड बहुत अच्छा है। इसमें भी आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। द ब्रांड नेम इज़ कॉल्ड निट्सी। ये देखो इस तरीके का आगे से पूरा बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है, एंड इसका ये काफ़ी सुंदर है, फुल स्लीव है। स्लीव के एंड पर भी आपको इस तरीके से कटवर्क वाला डिज़ाइन मिलता है। अगेन अ वेरी प्रिटी एंड अमेजिंग कुर्ती। इसके बॉटम पर नीचे की तरफ इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर भी वही कटवर्क वाला डिज़ाइन है, फ्रंट पर भी एंड इसके बैक पर भी। इसमें आपको पॉकेट भी मिलती है राइट हैंड साइड पर। ये देखो पूरा कटवर्क वाला डिज़ाइन हो रखा है फ्रंट और बैक दोनों साइड। अगेन मैंने इसको डेनिम्स के साथ स्टाइल किया है, एंड डेनिम के साथ ये बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट कुर्ती है वो भी बहुत प्रिटी कुर्ती है। इट्स अ प्रॉपर कश्मीरी जो फील होती है ना वो आ रही थी इसको पहनकर। ये भी वुलन फैब्रिक में काफ़ी वॉर्म कुर्ती है, जिसके फ्रंट पर पूरा कश्मीरी वर्क है एम्ब्रॉयडरी का, एंड स्ट्रेट कुर्ती मिलती है। यहाँ पर 3/4 स्लीव के एंड पर भी आपको यही एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, एंड कुर्ती के एंड पर भी साइड स्लिट मिलती है, एंड इसके अंदर काफ़ी वॉर्म वाला जो फ्लीस फैब्रिक होता है ना, ये देखो, ये इफ यू कैन सी, यहाँ पर ये पूरा फ्लीस फैब्रिक है इसके अंदर, और ये काफ़ी वॉर्म है। ट्रस्ट मी, ये पहनकर इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आप इसके साथ शूज़, हील्स, कुछ भी कैरी कर सकते हो, कैजुअल रखना है या फिर फॉर्मल, जैसा भी आपको लुक कैरी करना है। ये वाली कुर्ती बहुत सुंदर लग रही थी पहनने के बाद, एंड कंफर्टेबल भी है। मैंने जो साइज़ पहना हुआ है वो लार्ज है। इफ़ यू वांट कि आप इसके अंदर भी कुछ कैरी करने वाले हैं तो आप एक्सेल के लिए जा सकते हो, बट लार्ज मुझे एकदम परफेक्ट फिट आया था, जो कि आप ट्रायल पर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट कुर्ती आपको दिखाती हूँ, वो है एक अनारकली। अब जैसे कि मैंने एक अनारकली पहन ली है जॉर्जेट मटेरियल में, पोशाक ब्रांड से ही एक और अनारकली है जो आज की वीडियो में मैंने इंक्लूड की है। इट्स अ प्रॉपर एमरल्ड ग्रीन कलर का अनारकली। जो साइज़ इस वक्त मैंने पहना हुआ है वो है लार्ज। इसमें इस बार मैंने मीडियम साइज़ मंगाया, एंड वो वाला मुझे काफ़ी अच्छा फिट आ रहा था। ये तो आपको थोड़ा सा लूज़ दिख रहा होगा, ये देखो, बट ये वाला मुझे एकदम परफेक्ट फिट आया है। ये देखो एमरल्ड ग्रीन कलर में, इसके योग पर जितना भी आप देख रहे हो इट इज़ ऑल फॉइल प्रिंट, गोल्डन फॉइल प्रिंट फ्रंट एंड बैक। नेकलाइन इसकी काफ़ी सुंदर है, पीछे इसमें डोरी भी होती है। मैंने जो पहना हुआ है इसमें भी नेकलाइन डीप है एंड डोरी है, एंड नीचे की तरफ आपको यूज घेरा मिलता है। सबसे प्यारा लगा मुझे इसका कलर, इसमें और भी बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसका फ्लेयर बहुत अच्छा था, मैंने इसको गोल्डन धोती के साथ पहना है। मुझे अनारकली धोती के साथ पहनना बहुत सुंदर लगता है। आप चाहो तो इसके साथ घेरे वाली स्कर्ट या फिर घेरे वाला फ्लैट प्लाजो भी पहन सकते हो, जो जॉर्जेट मटेरियल में है रतन ब्रांड से। मैंने 2-3 बार उसके बहुत सारे कलर्स भी शेयर किए हुए हैं, वो इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा। तो इसके साथ आप मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हो। ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। आगे आने वाले हैं और भी बहुत अमेजिंग वीडियो, सो स्टे चिपक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।